कोई साथ रहे ना रहे, आदमी का साया हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन आज हम जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं, वहां कुछ ऐसा कमाल होता है कि इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। पहले इसका एक नमूना देख लीजिए। तो देखा आपने, खुदगर्ज साया भी अपना ना रहा। लेकिन क्या ऐसा असल में संभव है या फिर ये कोई चमत्कार है, इसके बारे में पूरी वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे। ये है कर्क रेखा और यही वो जगह है जहां व्यक्ति की परछाई नहीं बनती। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ साल के एक दिन में एक बार होता है और वो दिन है 21 जून का। समय है दोपहर 12 बजे। दरअसल इस दिन दोपहर 12 बजे सूर्य ग्रहण की किरणें 90 डिग्री ऊपर से पड़ती हैं। इसीलिए यहां खड़े व्यक्ति की परछाई ही नहीं बनती। इसीलिए कर्क रेखा क्षेत्र को नो शेडो जोन भी कहा जाता है। मैं यहां से गुजरता हूं तो यहां बहुत अच्छा लगता है और इस जगह को मैं यहां पिकनिक वो बैठता भी हूं और ये जगह पिकनिक पॉइंट पे बनना चाहिए यहां पे, ताकि लोगों रुके, कम से कम यहां का एक महत्व मालूम पड़े कि कर्क रेखा है, सबको मालूम पड़ता रहे। कितना सुना है आपने इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में बहुत बार मैंने देखा और निकलता हूँ, जब देखता हुआ भी जाता हूँ, रुकता भी हूँ, अच्छा लगता है। अनुभव रहा, अच्छा लगता है यहाँ पे। और आज 21 जून है, यहाँ पे परछाई 12 बजे के बाद अपने साथ चलती है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। और आज मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। हम जब भी इंदौर से विदिशा तरफ जाते हैं तो यहाँ जरूर रुकते हैं। ये क्या सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि 21 जून को 12 बजे अपनी परछाई भी यहाँ साथ छोड़ देती है। तो हम जब भी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ एक बार सेल्फी ज़रूर लेते हैं। कैसा लगता है आपको, कैसा अनुभव रहा है यहाँ रुकने का? यहाँ का अनुभव मैंने बहुत बार देखा, वो अच्छा रहा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है, एक टूरिस्ट टाइप का यहाँ पर है। क्या यहाँ पर और भी विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छा लगे, ताकि हर आदमी को यहाँ रुके, थोड़ी देर बैठे। कर्क रेखा का पिकनिक पॉइंट होना चाहिए। जिस कर्क रेखा को हमने बचपन से भूगोल में पढ़ा है, ग्लोब पर जिसे देखा है, उस जगह जाना और उसे करीब से देखना अपने आप में कम हैरानी भरा नहीं है। आपको बता दें कि ये जगह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दीवानगंज और सलामतपुर के बीच से होकर गुजरती है। क्या आपने सुना है कि सड़क पर चलते हुए कभी व्यक्ति का साया भी साथ छोड़ दे? फिल्मों में डायलॉग में भले ही आपने ऐसी बात कई बार सुनी होगी, लेकिन हम आपको जिले की जिस जगह से रूबरू करा रहे हैं, वास्तव में व्यक्ति का साया भी नज़र नहीं आता है। जी हाँ, 21 जून को दोपहर के ठीक 12 बजे सलामतपुर से भोपाल मार्ग के बीच दीवानगंज के नज़दीक कर्क रेखा स्थल पर ऐसा हर साल होता है। नसीम अली, पंजाब केसरी, रायसेन। कर्क रेखा को चिन्हित करने के लिए उस जगह पर राजस्थानी पत्थरों से स्मारक बनाया गया है। ये वो स्थान रायसेन जिले का सबसे आकर्षक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति सेल्फी लिए बिना आगे नहीं बढ़ता। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।